उत्तरकाशी के नेलांग घाटी और जंदुंग गांव को पुनर्जीवित करने के लिए एक पुल का उद्घाटन किया गया। ये पुल सेना और पर्यटकों के लिए खोला गया, जिससे क्षेत्र की सड़कें सुदृढ़ होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली माध्यम से 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। प्रयागराज कुंभ में गैर हिंदुओं की दुकान लगाने पर अखाड़ा परिषद का सख्त रवैया मुस्लिम धर्मगुरुओं की नाराजगी का कारण बन गया। मुस्लिम नेताओं ने इसे समाज को बांटने वाली सोच बताया। वहीं अखाड़ा परिषद ने अपने बैन पर कायम रहते हुए इसे लागू करने पर जोर दिया। ये चीज क्या है? ये चीजें भी नफरत पैदा करने वाली है। ये हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान का शब्द जबान पे आना ही नहीं चाहिए। कोई भाई, ये कलियर का मेला है या हिंदू दुकान लगाए, कोई मुसलमान मना करेगा उसका तुम यहाँ दुकान क्यों लगा रहा है? ये तो निहायत ही घटिया दर्जे की सोच है। हिंदुओं का अगर कोई मेला, मजहबी मेला है, मुसलमान वहाँ दुकान लगा रहा है, तो इससे किसी को क्या तकलीफ हो? आपस में हम सब भाई भाई की तरह हमें रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ हमें रहना है। हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें तो हमें हमारे दरमियान में और खई पैदा करेगी नफरत की, इसलिए ये चीज़ें हम अच्छे नहीं समझते। हाँ, अगर वो इस तरह का जहन रखते हैं, आप उनसे कहेंगे कि वो अपनी इस अपील के ऊपर नजरअसानी करें। हाँ, वो हरिद्वार में चंडी घाट के पास एक मलन बस्ती में आग लग गई, जिससे 17 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों की मदद से 2 घंटों में आग पर काबू पाया। अग्निकांड के बाद स्थानीय प्रशासन और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पीड़ितों की मदद की, खाद्य सामग्री और धनराशि भी वितरित की। जो चंडी घाट के पास जो ये बस्ती है, यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 17 परिवार प्रभावित हुए हैं झोपड़ियाँ जलने के कारण। अच्छी बात ये थी कि किसी की कोई जनहानि, ऐसी कोई घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तो मेरे द्वारा गुरुजी से ये अनुरोध करा गया था कि जो सहयोग हो सके, जो संभव मदद की जा सके वो करी जा सके। तो गुरुजी ने तत्काल इसमें खुद ही आके यहाँ पे सबका सहयोग करा। 5,000 रुपये के चेक दिए, 2,000 रुपये मौके पे सबको नगद दिए, ताकि वो इमीडिएट अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और बाकी घर का सामान दिया। हरिद्वार में आशा फैसिलिटेटरों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग की है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अस्थायी वेतन नहीं मिलता। उन्होंने क्षेत्रीय भ्रमण के लिए लाइव लोकेशन के आदेश को निरस्त करने और अन्य मांगे भी रखी हैं। रामपुर के धनोरी गांव में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से हंगामा मच गया। विहिप और बजरंग दल के युवाओं ने विरोध किया, जिसके बाद सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचे। सीओ ने युवाओं को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती अपने मामा के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि वो अपने मामा के साथ घर पर जा रही थी कि तभी एक दर्जन लोग आए और उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगे। जब मामा ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की घटना की शिकायत के बाद भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पीड़िता ने कार्रवाई करने की मांग की है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा का असर श्रावस्ती में भी देखने को मिला। हिंदू संगठनों के लोगों ने आक्रोशित होकर बाजार बंद कर दिया और सड़कों पर जुलूस निकाला। बिजनौर के सियोरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोर के अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। उप निरीक्षक ने आरोपी युवक किशोरी को अपने आवास पर ले जाकर पूछताछ की, जहां आरोपी की मौत हो गई। इस घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया है। पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में हबीबुल्ला खां शुमाली के पास युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक बीते दिन मेला देखने निकला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। उन्नाव में नगरपालिका परिषद वेंडिंग जोन व्यापारियों की दुकानों के आगे बन रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी के नेतृत्व में व्यापारियों ने डीएम से काम रोके जाने की मांग की और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में दुर्गा मंदिर में भंडारा खाने गई नाबालिग लड़की से 4 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने चुंगल से छूटी किशोरी घर पहुंची और माता पिता को आपबीती बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। हापुड़ मंडी में किसानों ने फसल का कम भाव मिलने पर हंगामा किया। उन्होंने व्यापारियों पर कम दाम पर खरीदने का आरोप लगाया। मंडी सचिव नलिमा गौतम के समझाने पर भी किसान नहीं माने और रोड पर जाम कर दिया। पुलिस ने समझा बुझा कर किसानों को सड़क से हटाया। कौशाम्बी के मजनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजापुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए।
अलीगढ़ में अतरेला थाना क्षेत्र के वाहन चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश दिनेश कुमार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अलीगढ़ और बुलंदशहर में 32 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से 9,000 रुपए तमंचा और कार भी बरामद की है। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है। परिजनों ने पति पर मर्डर का आरोप लगाया है और बताया कि वो घर से फरार हो गया। मैके पक्ष का कहना है कि पति ने पहले भी मृतका शारदा के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हुआ। एक ट्राला के अचानक ब्रेक लगने से कार उसमें घुस गई, जबकि पीछे से आ रहे ट्रक ने भी कार को रौंद दिया। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये घटना कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के भौती हाईवे पर हुई है। सितारगंज में पुलिस आवास के लिए भूमि चयनित करने के लिए डीएम उदयराज सिंह और एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित अधिकारियों ने राजस्व विभाग की भूमि का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य आपत्तियों के कारण रुका हुआ था। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भूमि चयन में देरी पर भी नाराजगी जताई। एसएसपी साहब साथ में एडीएम साहब और एसपी सिटी साहब सब साथ में और हम लोगों ने ये आज प्लान किया कि जो अगला फ्यूचर डेवलपमेंट है ऑफिसेज का, रेजिडेंस का, तहसील का या पुलिस का, उसके लिए जो लैंड दी जाए वो सुटेबल लैंड दी जाए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तहसील एक बड़ा ही कह लीजिए कि ऐसा कैंपस होता है, ऑफिस होता है, जहां हर आदमी आता है, गरीब से गरीब आता है और बड़ा से बड़ा आदमी भी आता है।